तो जनरली बराइटा का आपके पेशेंट्स छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। हाइट अगर मैं कह रहा हूँ छोटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटे कद का व्यक्ति बराइटा काब होगा, उसके साथ बाकी के भी सिम्टम्स को आपको जोड़कर देखना होगा। फिलहाल इनका कद बहुत छोटा होता है, छोटे हाइट के होते हैं, मोटे होते हैं, स्लो होते हैं, देखने में ये अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देंगे या फिर ये अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखाई देंगे। आप उनको देखकर आपको लगेगा, अगर वो एकदम यंग एज का भी हो तो आपको लगेगा ये तो कितना बुजुर्ग हो चुका है, ये तो कोई बूढ़ा आदमी है, इस तरीके का आपको फीलिंग आएगा। तो बराइटा काब जो होते हैं छोटे हाइट के होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, जिनका पेट मोटा होता है, बाकी हाथ पैर दुबले पतले होंगे जैसे कैल्केरिया का था। इनके इनके पैरों में पसीना आता होगा और इनके क्या कहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देंगी, बाल थोड़े से कम दिखाई देंगे, कम उम्र में ये बाल झड़ गए हैं ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो गया इनका फिजिकल मेकअप। बराइटा काब के ज़्यादातर इंडिकेशंस आपको या तो बचपन में दिखाई देंगे यानी जब वो छोटे हैं, या फिर जब वो बुढ़ापे में चले गए हैं यानी जब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो यंग लोगों, इन्फेंट लोगों में, छोटे बच्चों में और बुढ़ापे में, ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं जिंदगी के, इन दोनों ही जगह पर इसके इंडिकेशंस आपको दिखाई देंगे। अगर कोई यंग बराइटा काब होगा तो आपको इसका पता तभी लगेगा कि वो यंग है जब वो आपको अपनी उम्र बताएगा। अगर उसने अपनी उम्र नहीं बताई तो आपको लगेगा कि ये आदमी कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है। कम उम्र में ही वो बूढ़े दिखाई देते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, सिकुड़ जाएगा, उनके बाल कम उम्र में ही पकने शुरू हो जाएंगे, बाल हैं तो सफेद हो जाएंगे, कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं। एक तरह से कहा जाए तो प्री मैच्योरली ये लोग ओल्ड हो जाते हैं, कम समय में ही ये बूढ़े हो जाते हैं, कम उम्र में ही ये बूढ़े हो जाते हैं, इसको आप प्री मैच्योर सीनिलिटी भी कह सकते हैं।